हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में आप लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि सर, क्या सेंटर एग्ज़ाम में जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, क्या फाइनल एग्ज़ाम 2023 के जो बोर्ड के होने वाले हैं उसमें भी क्या 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे? बहुत सारे आप लोगों के ये प्रश्न हैं और क्या पता आप लोगों को क्या हुआ कि ये प्रश्न जो है आप हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपको बताया किसने कि 100 ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे? आप लोग जो है फालतू फालतू वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप मैसेज करते हैं कि सर अगला एग्ज़ाम में जो है 60 ऑब्जेक्टिव आएंगे, और फिर अभी आप ही कह रहे हैं कि सेंटअप एग्ज़ाम में जो है 100 ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो फिर जो है फाइनल एग्ज़ाम में 100 आएगा। तो ये सब प्रश्न जो है आपके अपने अंदर ही कन्फ्यूज़न है। हमने आज तक तो कभी नहीं बताया कि 100 ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, 60 आएंगे, ना ही मेरा जो है यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने नहीं बताया होगा कि 100 को ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, 60 को रहेगा, क्योंकि बोर्ड की तरफ से जो है नोटिफिकेशन ही नहीं आया अभी तक। और बहुत सारे आप लोग वीडियो देख देते हैं, हम तो ऑप्शन वीडियो के आज तक देखे नहीं किए। यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हम समय देते हैं किसी भी इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है? आप लोग दिन भर उसी में लगे रहेंगे कि कौन वीडियो आ रहा है देखेंगे, जिस पे लिखा रहेगा थंबनेल पे कि 3 महीना में पढ़ के बिहार टॉपर कैसे बनेंगे, 10 दिन में पढ़ के जो है आप 90% कैसे लाएंगे, यही सब वीडियो आप लोग देखते रहते हैं। ये एकदम छांट के ला रहे हैं आपके लिए 40 ऑब्जेक्टिव, चाहे एकदम चुन के ला रहे हैं आपके लिए जो है एकदम 20 वो ऑब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट के, वही सब आप लोग वीडियो देखते हैं। कभी आपने अपने पूरे सिलेबस पे काम ही नहीं किया है कि नहीं? जब आप अपने पूरे सिलेबस पे काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव 50 आवे, 60 आवे, 70 आवे, 100 आवे, आप जो है सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कितना भी पूछेगा, हमको तो सिर्फ 50 ही बना कर आना है। तो इस पे आप लोग काम कीजिए, ठीक है? और ये बोर्ड है बिहार बोर्ड, कभी भी किसी भी चीज़ का जो है चेंजिंग हो सकता है, तो ना ही हम इसका जवाब दे पाएंगे और ना ही कोनो टीचर आपको जवाब दे पाएगा। अगर कोनो इस सवाल का जवाब दे पाता है कि क्या सेंटअप एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन है तो फाइनल एग्ज़ाम में भी 100 क्वेश्चन है, तो उसका जो है रियल में कनेक्शन होगा बोर्ड से, तो वो जो है आपको बता सकते हैं। हमने के एगो साधारण इंसान है जो पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते हैं, मेरे पास ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है कि सेंटअप एग्ज़ाम में 100 गो है तो क्या जो है बोर्ड एग्ज़ाम में भी 100 गो रहेगा या 60 गो रहेगा। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मेरा जो है कोई रिप्लाई नहीं मेरे द्वारा रहेगा, ठीक है? तो आप लोग जो हैं पढ़ते रहिए, ये सब बेकार के न्यूज़ में नहीं पढ़िए और अपने सिलेबस को कम्प्लीट कीजिए। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि आप लोगों को पढ़ना क्यों है, ये कारण आप अपने अंदर सोचिएगा, आपको पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है? तो आपको पढ़ना है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है और कुछ नहीं करना है। आप कौन कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछेगा, ये सब आपका काम नहीं है, सिर्फ आपका पढ़ना काम है। सिलेबस को पूरा पढ़ना ही जो है आपका काम है, और उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको उससे क्या मतलब है कि नहीं? बार बार हम एक ही बात को आपको बताते रहें वो हमें अच्छा नहीं लगता है। और मंजिल पाने के लिए जो है रुकावटें अनेक आती है, उस रुकावटें को पार आप कैसे करते हैं वही जो है आपकी असली विद्यार्थीपन को जो है दिखाता है। वीडियो देखे हैं, खराब लगल है डिसलाइक कीजिएगा, अब बढ़िया लगल है तो शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।